हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। और आज हम बात करने वाले हैं डेली आरपीओ अपॉइंटमेंट बुकिंग के बारे में। देखो क्या है ना कि बहुत ही ज्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर आप हमारा डेली का आरपीओ अपॉइंटमेंट बुक कर दो, कैसे हम बुक करें, बुक नहीं हो रहा है, साफ हम 5 बजे ही कर रहे हैं लेकिन बुक नहीं हो रहा है, हम क्या करें, कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो इससे रिलेटेड बहुत ही ज्यादा मुझे मैसेज आ रहे हैं, मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे लोगों ने डीएम किया था कि आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर दो आरपीओ का, क्योंकि उन्हें आरपीओ विजिट करना है, वहां पर उनकी फाइल रुकी हुई है, इसलिए डेली आरपीओ में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। अब क्या दिक्कत आ रही है उसके ऊपर हम बात करेंगे और बुक कैसे करेंगे ये मैं बताता हूँ। देखो बहुत सारे लोगों ने मुझे किया था, मैं बहुत सारे लोगों का 4-5 लोगों 10 लोगों तक मैंने किया है अपॉइंटमेंट बुक। आई थिंक टोटल अगर काउंट करें तो मैं 10 लोगों का अपॉइंटमेंट बुक कर दिया हूँ जो डेली से हैं। डेली आरपीओ का मैं 10 लोगों का अपॉइंटमेंट बुक कर चुका हूँ और अभी भी मैं ट्राई करते रहता हूँ, तो कभी कभी मुझसे खुद भी नहीं होता है आरपीओ अपॉइंटमेंट बुक, तो लेकिन ज्यादातर केसेस में जो है मुझसे अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, कैसे आपका डेली का आरपीओ अपॉइंटमेंट बुक होगा, पासपोर्ट का, अगर आपको आपका पासपोर्ट रुका है किसी कारणवश आरपीओ में रुक गया है किसी भी रीजन की वजह से, तो आपको आरपीओ जाकर एक बार विजिट करना है और आपको चेक करना है कि किस वजह से आपका पासपोर्ट वहां पर रुका है, क्यों आगे नहीं आपका प्रोसीजर हो रहा है, मीन्स पासपोर्ट फाइल आपकी आगे क्यों नहीं जा रही है। पासपोर्ट जब तक आरपीओ से आगे नहीं जाएगा तब तक डिस्पैच होकर पासपोर्ट आपके पास आएगा ही नहीं। तो इसी के ऊपर हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो देखो होता क्या है ना, जब हम शार्प हमें जो टाइम मिलता है 5 बजे का 5 PM और उसमें डेट दे देता है कि चलो 15 तारीख का, 15 को अगर बुक के नहीं हुआ तो फिर 18 का दे देगा, 20 का दे देगा, अपने हिसाब से वहां पर टाइम आपको दे दिया जाता है। तो जब क्या होता है, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये याद रखो जब आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो 5 बजे का अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो 4:50 या 55 मिनट पर आप लॉग इन करके रख लो एंड वहां पर आप जाओ रीशेड्यूल योर अपॉइंटमेंट पे जाओ एंड उसके बाद रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करो एंड उसके बाद नेक्स्ट का एक ऑप्शन आएगा वहां पर क्लिक करो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, देन आप कैप्चा कोड डालो और एंड वेट करो 2-3 मिनट वेट कर लो, जैसे ही 5 बजता तुरंत क्लिक कर दो, एक क्लिक कर दो और उस क्लिक में 150 लोगों का होता है और 150 लोगों का जिनका इंटरनेट काफी अच्छा रहेगा तो 150 लोगों का अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आगे का प्रोसीजर में चला जाएगा, अगर जिनका नहीं गया उनका भाई अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पाएगा। तुरंत क्लिक करो, उसके बाद वहां से डेट सेलेक्ट करो एंड ओके मारो, थोड़ा भी वेट ना करो, इधर उधर नहीं देखना है। अगर थोड़ा भी अगर आपका ध्यान कहीं और गया या फिर समझ लो कि अगर पासपोर्ट की वेबसाइट से आप डायरेक्ट लॉग आउट हो गए तो फिर आप उस दिन अगर ट्राई करोगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपॉइंटमेंट दोबारा से बुक नहीं होगा, जब तक लॉग इन करोगे तब तक सारे स्लॉट बुक हो जाएंगे। और अगर एक बार कैप्चा कोड भी अगर डेली वालों के लिए बता रहा हूं जो डेली का आरपीओ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम अगर आपका आरपीओ मतलब आपका कैप्चा कोड अगर गलत निकल जाता है तो सेकेंड टाइम आपको टाइम ही नहीं मिलेगा उसके अंदर लॉग इन करने के लिए। सेकेंड टाइम जब आप कैप्चा कोड डाल के लॉग इन करोगे, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तब देगा कि सारे स्लॉट बुक हो गए, अब आपको बाद में ट्राई करना चाहिए, इस हिसाब से मैसेज आपको दे देगा। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि 5:50 जैसे ही 4:59 होता है और जैसे 5 होता है तुरंत क्लिक कर दो आप नेक्स्ट बटन के ऊपर, कैप्चा कोड वगैरह सब कुछ फिलअप करने के बाद, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट के लिए देखो 100% गारंटी नहीं कि सबका हो जाएगा लेकिन 100% में 30-40% लोगों का हो जाएगा अपॉइंटमेंट बुक उस दिन, अगर जल्दी जल्दी अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करते हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, मैंने बहुत सारे लोगों का किया है, मेरे साथ भी कभी कभी कई सारे केसेस में हुआ कि मैं डेली का जब आरपीओ अपॉइंटमेंट बुक कर रहा था तो मुझसे भी नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है कि पता है सर्वर की वजह से, सर्वर पर लोड ज्यादा होने की वजह से हम जो अकाउंट लॉग इन किया रहता है वो डायरेक्ट बाहर फेंक देता है मतलब लॉग आउट कर देता है, फिर से मैं उस दिन लॉग इन किया तब तक टाइम ही चला गया था। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है आपको भी बाहर फेंक देता है, तो बाहर इसलिए फेंकता है क्योंकि सर्वर पर लोड बहुत ही ज्यादा हो जाता है और बहुत ही ज्यादा लोग उस टाइम पर अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए लॉग इन करते हैं, इसलिए बाहर फेंक देता है। तो बाहर फेंक दिया तो भाई उस दिन ट्राई करने से कोई मतलब नहीं, आपको अपना वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जब भी आप जिस दिन भी रहे उस दिन आप अच्छे तरीके से करना, ये हर बार नहीं होता है, कभी कभी होता है कि आप सर्वर की वजह से जो है आपको आप बाहर फेंक देता है, लॉग आउट आपकी फाइल कर देता है, आपका मतलब जो भी प्रोफाइल है उसको बाहर कर देता है, फिर से लॉग इन करना पड़े, कभी कभी होता है। लेकिन 100% में जो है 30% लोगों का जरूर अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, मैं 100% नहीं बोल सकता क्योंकि 5 बज के मुझे लगता है कि अगर 5:10 हो गए ना, 5 बज के
5 बज गया एंड 10 सेकंड भी एक्स्ट्रा हो गया ना, तो आपका अपॉइंटमेंट बुक नहीं होगा। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। अगर आप ट्राई करते रहो तो अपॉइंटमेंट तब भी बुक नहीं होगा। ये एक्चुअली मैं टिप्स जो है देना चाहता था जो लोग डेली से हैं और डेली आरपीओ का अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का बुक किया, बहुत सारे लोग ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो अगर मैं सबका भी करना चाहूं तो मैं सबका नहीं कर सकता, क्योंकि डेली आरपीओ का क्या सीन है ना कि वो 5 बजे ही सबका होता है, तो मैं सबका एक साथ नहीं कर सकता, मैं किसी एक का ही कर सकता हूं। इसलिए उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जैसा कि आपको पता है मैं ट्रैवलिंग स्टार्ट करने वाला हूं, मैंने वीडियो भी डाला था, उत्तराखंड में जाने वाला हूं, तो फिर मेरा 19 को टिकट है, तो 2-3 दिन का टाइम है, तो 2-3 दिन में और देख लेते हैं किसका टिकट बुक मतलब आरपीओ अपॉइंटमेंट बुक करना है, तो बुक कर लेंगे। उसके बाद तो टाइम ही नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि लैपटॉप वगैरह मैं अपना कुछ भी सेटअप नहीं लेके जाऊंगा, इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर राउटर वगैरह वाईफाई लगा है और यहाँ पर सब कुछ सेटअप है, लेकिन ट्रैवलिंग में मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, जस्ट फोन रहेगा, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ट्रैवलिंग के दौरान किसी का अपॉइंटमेंट बुक करना। लेकिन वीडियो आती रहेगी टाइम टू टाइम, मैं ट्राई ही करूंगा। और अगर आप सही तरीके से बुक करोगे तो कोई भी इश्यू आपको नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर आपको पासपोर्ट एंड वीजा से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती है। तो चलो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक पर।